नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हाई फाई पर। दोस्तों आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मेंटल एबिलिटी के आंसर की के बारे में बातें करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक से चार क्वेश्चन हैं, वो इस अंतर्विभाजक वृत्त जो ये तीन वृत्तों की आकृति दी गई है इसके आधार पर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समय को दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हैं? तो दोस्तों आप इसमें तीनों में टेनिस, बैडमिंटन और वॉलीबॉल में जो कॉमन है वो है सी। तो इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समय को दर्शाता है जो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं पर बैडमिंटन नहीं? तो इसका उत्तर है डी। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समय को दर्शाता है जो टेनिस खेलते हैं पर ना तो बैडमिंटन और ना ही वॉलीबॉल खेलते हैं? तो इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समय को दर्शाता है जो टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं पर वॉलीबॉल नहीं? तो इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके माध्यम से पाँच से सात तक जो क्वेश्चन है नहीं उसका हल करना है। एक विद्यालय में पांच शिक्षक थे, ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे, डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे, ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहे थे। इसके आधार पर नेक्स्ट जो पाँच छः और सात नंबर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे पांचवा, शिक्षकों में से अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहे थे? तो इसका उत्तर है बी। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन से भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहे थे? तो इसका उत्तर है नॉन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। सातवां प्रश्न है, दोनों दो से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? तो इसका उत्तर है हिंदी, दो से अधिक शिक्षक है वो हिंदी विषय पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट जो आठ और नौ क्वेश्चन है, तो दोस्तों वे है अर्थपूर्ण क्रम के आधार पर उन्हें सेट करना है। तो इसका उत्तर होगा आठवें क्वेश्चन का उत्तर होगा डी, अर्थात सर्वप्रथम आएगा शीर्षक, फिर आएगा कंटेंट अर्थात अनुक्रमणिका, फिर आएगा परिचय, फिर आएगा अध्याय और अंत में आता है परिशिष्ट। नेक्स्ट नौवा क्वेश्चन है, ऐसा ही नौवा क्वेश्चन है, इसमें इसका उत्तर है सी। पहले आएगा अपराध करता है कोई, इसके बाद इसे गिरफ्तार किया जाता है, फिर उस पर निर्णय सुनाया जाता है और सजा दी जाती है और अंत में के। तो इसका उत्तर क्या होगा सी। दसवां प्रश्न है, एक दिन में कितनी बार घड़ी के दो हाथ 90 डिग्री पर होते हैं? तो इसका उत्तर है 44। एक दिन में जो घड़ी के दो हाथ है वो 90 डिग्री पर 44 बार ऐसी सिचुएशन आती है। 11 से 14 क्वेश्चन है दोस्तों, 11 से 14 क्वेश्चन है वो है साइलोजिज्म के आधार पर है, उसमें आपको कथन और निष्कर्ष दिए होंगे और इसके आधार पर आपको ऑप्शन चूज करना होगा। ऑप्शन ओनली फॉर ये चार ही रहेंगे प्रत्येक तीनों क्वेश्चनों में। यदि केवल निष्कर्ष एक सही है, यदि केवल निष्कर्ष दो सही है बी में, सी में रहेगा, यदि निष्कर्ष एक और दो सही है डी में रहेगा, यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों गलत हैं तो 11 में का उत्तर रहेगा डी। सभी पंखे घड़ियाँ हैं, कुछ घड़ियाँ काली है, तो इसका उत्तर यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों गलत हैं। और 12 में क्या रहेगा ए। 13 में का उत्तर रहेगा डी। और 14 में जो कोई भी आदमी गधा नहीं है इसका उत्तर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक आकृति में विभिन्न अंकों का समूह है, यह कल्पना कीजिए कि प्रत्येक समूह किसी निश्चित पैटर्न से चल रहा है
उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रश्न का छूटा हुआ अंक ज्ञात कीजिए। तो ये 15 और से लेकर 17 क्वेश्चन है वो इसी आधार पर करने होंगे। तो 15वां क्वेश्चन है, आपको तीन पैटर्न दिए गए और चौथा ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो 5 में से 4 घटाया 1, 1 की क्यूब 1 है। नेक्स्ट 11 में से 8 घटाया तो 3, 3 की क्यूब है 27। इसी तरह 7 में से 3 घटाया 4, 4 की क्यूब है 64। तो इसी तरह हमें 8 में से 2 घटाते हैं तो कितना रहे, अच्छा है, और 6 की जो क्यूब है वो है 216। तो इसका आंसर क्या होगा, डी 216। 16वां क्वेश्चन है, दो पैटर्न दिए गए, इसको समझना होगा, 5 × 4। तो इसका उत्तर आता है 20। 20 में से ओनली फॉर 2 को 6 से गुणा कर लें तो क्या उत्तर है, 12। 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30। 30 में से 3 को लेना और 3 का 7 से गुणा कर देना है तो 21। इसी तरह 10 × 4 = 40, 40 में ओनली फॉर 4 को लिया और 4 का 8 से गुणा किया तो इसका उत्तर क्या आया, 32। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, 2 दिया हुआ है, 2 को 3 से गुणा कीजिए, 6 6 में से 1 घटा दीजिए तो 5 आएगा, 5 को 3 से गुणा कीजिए, 15 15 में से 1 घटा दीजिए 14, 14 को 3 से गुणा कीजिए, 42 42 में से 1 घटा दीजिए 41, और 41 को 3 से फिर गुणा कीजिए और 123 आएगा, 123 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा 122। तो इसका उत्तर क्या होगा, 122। 18वां प्रश्न है, 5 विभिन्न मकान ए से ई किसी एक पंक्ति में है, ए बी के दाएं, ए बी के दाएं और ई सी के बाएं तथा ए के दाएं, बी डी के दाएं, कौन सा मकान मध्य में है। तो इसका उत्तर होगा ई, ए ए मदान मकान है वो मध्य में रहेगा। 19वां प्रश्न है, किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए लेकिन उतने नहीं जितने प्रिया ने गौरव और कविता से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए लेकिन उसके अंक समय में सबसे कम नहीं है, अंकों की दृष्टि से घटते क्रम में जमाने पर कौन दूसरे स्थान पर आएगा। तो इसका उत्तर है सी, राज दूसरे स्थान पर आएगा। 20वां प्रश्न है, एक आदमी के चित्र की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, उसकी माता मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहा था। तो इसका उत्तर है उसके पुत्र की। और 21वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है तो उस वस्तु पर 8% का लाभ के लिए कितने में बेचा जाए। तो इसका उत्तर है 135। और 22वें क्वेश्चन का उत्तर है 33, सही 1/3। और 23वें क्वेश्चन का उत्तर है 15, 18, 11, अर्थात डी ऑप्शन। 24वां क्वेश्चन है, मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है, यदि दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष हो तो मोहन कितने वर्ष का है। तो इसका उत्तर है 12 वर्ष, मोहन 12 वर्ष का, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अब 25 से लेकर 29 क्वेश्चन है वो एक ही कंडीशन पर आधारित है तो इनके मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। इस पहले का रहेगा 25वें का USQ, अर्थात डी ऑप्शन। इसके बाद रहेगा HSQ, 26वें का ए ऑप्शन। 27वें का रहेगा DQBV, सी ऑप्शन। और 28वें का रहेगा QDFHS, तो इसका उत्तर ए ऑप्शन। और 29वें का रहेगा RIDTCENOI, अर्थात ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आकाश, आकाश को पीला, पीला को पानी, पानी को गुलाबी कहा जाए तो खुले साफ आकाश का रंग क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आकाश का रंग होता है नीला और नीले को क्या कहा गया, आकाश। तो इसका उत्तर है आकाश। 31वां क्वेश्चन, किसी निश्चित कोड में 786 को स्टडी वेरी हार्ड, 958 को हार्ड वर्क पेज और 645 को स्टडी एंड वर्क कहा जाए तो वेरी के लिए क्या कोड होगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, सी ऑप्शन
7 इसका सही रहेगा। 32वां प्रश्न है, यदि 15 जनवरी 2004 को रविवार था तो 15 जनवरी 2003 को क्या वार होगा? तो इसका उत्तर रहेगा बी शनिवार। 33 से 35 जो क्वेश्चन है वो एक ही कंडीशन पर आधारित है, सात वर्गीकरण पर। इसमें तोता, कोयल, गिद्ध, हंस इनमें से अलग कौन सा है? तो इसमें अलग है गिद्ध। 34वां रहेगा, हरियाणा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तो इसका उत्तर है हरियाणा, बाकी सभी तटीय राज्य है। 35वां रहेगा, आलू, धनिया, अदरक, प्याज, इसमें धनिया अलग है, बाकी जमीन में इनका फल प्राप्त होता है जमीन से। नेक्स्ट जो 36 से 39 तक क्वेश्चन है उनके जो एक कंडीशन पर ही आधारित है। 36 में का सी रहेगा 130, और 37 में का भी 182-40 रहेगा, और 38 में का 13-117 रहेगा, 39 में का 8-33 है, उत्तर डी ऑप्शन रहेगा। 40 में क्वेश्चन है, महाविद्यालय का विद्यार्थी से वो ही संबंध है जो अस्पताल का है, तो इसका उत्तर है रोगी, डी ऑप्शन। 41वां क्वेश्चन है, सिग्नल, ट्रैफिक, तो इस ऐसी कंडीशन ऑप्शन में कौन से बनती है? तो इसका उत्तर रहेगा ए, बांध और नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर तो एम एन क्रम के आधार पर 13 और 14 नंबर पर है, इसी एफ आर 6 और 18 नंबर पर होना था, लेकिन ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन लगभग डिलीट होने के चांस बनते हैं। 43वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन रहेगा सी। 44वां क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए, और 45वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन रहेगा डी। 46वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन रहेगा ए, उत्तर। 47वां जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन रहेगा ए, 31। 48वां जो क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन, 415। 49वां जो क्वेश्चन है इसका रहेगा बी, अर्थात 15 वर्ष। और 50वां जो प्रश्न है इसका रहेगा 73। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।